Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working in the Department of Agronomy at G.V. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. और अपने इस जो चैनल पे मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं एंड दिस मॉक टेस्ट आर हाईली बेनिफिशियल फॉर डिफरेंट एग्जाम, पर्टिकुलरली GRF, SRF एंड बैंक एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम एंड अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम. अगर आप इन मॉक टेस्ट को प्रॉपरली देखें तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार होगा जो काफ़ी हेल्पफुल होगा. तो आज जो है मैं जो आज आया हूँ वो मॉक टेस्ट के जो सॉल्यूशन है उसके साथ आया हूँ. तो एक मॉक टेस्ट 15 अपलोड हुआ था स्टैटिक्स एंड न्यूमेरिकल्स पे, तो इसके क्या सॉल्यूशन है, कई स्टूडेंट्स ने ये डिमांड भी की थी, रिक्वेस्ट किया था कि सर इसका सॉल्यूशन बताएं. तो आज जो है हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे और इसके एक्सप्रेशन देखेंगे. तो इस तरह के जो स्टैटिक्स और न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन है इनको आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा. तो इसको आप पूरी अच्छी तरह से देखिए और अगर वीडियो आप स्लो करके देखेंगे थोड़ा सा तो और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा. आप इसके सॉल्यूशंस को कॉपी में नोट करें. तो स्टार्ट करते हैं इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन. एंड इन दिस मॉक टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 वाज इन RBD विद 8 वेराइटीज एंड 3 रेप्लिकेशन द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज. तो क्वेश्चन में क्या डिजाइन दी गई है, इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. डिजाइन कौन सी है इसमें RBD है, वराइटीज 8 हैं और रेप्लिकेशन 3 हैं. तो जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो अलग अलग डिजाइन के लिए अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है. इसको एक जब हम स्टैटिक्स से लेक्चर लेंगे तो इसको हम पूरा सही से बताएंगे. तो आज के सॉल्यूशन को हम केवल सीखते हैं. तो RBD में पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है. तो इसमें जो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू T-1 × R-1. और ये जो एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये अलग अलग डिजाइन के लिए अलग अलग होती है. जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी तरह से हम इसको बताते चलेंगे, आप इसको नोट करते चलेंगे. तो अभी फिलहाल जो है आप RBD के लिए नोट कीजिए एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम. इस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वराइटीज आर 8. तो इसका मतलब इट मीन्स ट्रीटमेंट्स आर 8. सो T इज इक्वल टू 8 एंड नंबर ऑफ रेप्लिकेशन दैट इज R इज इक्वल टू 3. तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या है. It is 8-1 × 3-1, that is 7 × 2, that is 14. तो इसका जो degree of freedom कितना है 14. So 14 is correct answer. Second question is variance is equal to. तो देखिए variance पूछा गया है. Variance का जो symbol है that is sigma square. और कहीं कहीं आप देखेंगे variance जो है S square की. तो जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम ग्रीक अल्फाबेट्स को यूज करते हैं, दैट इज सिग्मा. और अगर हम सैंपल की बात करते हैं तो एस स्क्वायर इसको हम बोल सकते हैं. दोनों ही वेरिएंस है, एक पॉपुलेशन वेरिएंस है, सेकंड जो अलग है ये सैंपल वेरिएंस है. तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों का जो मीनिंग निकलेगा एक ही निकलेगा लेकिन वो दोनों के लिए अलग अलग है. तो यहां जो पूछा गया है वेरिएंस इज इक्वल टू, तो जो वेरिएंस है ये यही जो होता है ये वेरिएंस है. अभी सिग्मा क्या होता है, सिग्मा अब आपको ये टर्मोलॉजी सीखनी पड़ेगी स्टैटिक्स की. जो सिग्मा है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. इसी तरह से ये एस भी क्या होगा, ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा. लेकिन जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा वाला है ये किसके लिए होता है, पॉपुलेशन के लिए होता है. और ये जो ऐसा होता है ये किसके लिए है, सैंपल के लिए है. इसी तरह से ये वेरिएंस किसके लिए है, पॉपुलेशन के लिए, ये वेरिएंस सैंपल के लिए है. तो यहां क्वेश्चन जो पूछा गया है वेरिएंस इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं जो वेरिएंस है दैट इज सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन. सो वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका करेक्ट आंसर है. तो ये टर्मोलॉजी आप सीख लीजिए, ये आगे भी क्वेश्चंस में काम आएगी. क्वेश्चन नंबर 3 is in which design the number of treatment is equal to number of replication. तो देखिए इसको पूछा गया ऐसी कौन सी डिजाइन है जिसमें जो नंबर ऑफ रेप्लीकेशन है वो ट्रीटमेंट के इक्वल है. यदि ट्रीटमेंट 3 है तो रेप्लीकेशन 3 रखेंगे, अगर ट्रीटमेंट 4 है तो हम रेप्लीकेशन भी 4 रखेंगे, अगर ट्रीटमेंट हमारे 5 है तो हम रेप्लीकेशन भी 5 रखेंगे. तो ये जो डिजाइन होती है इसको यहाँ सीख लें, ये होती है LSD, लैटिन स्क्वायर डिजाइन, लैटिन स्क्वायर डिजाइन. तो आज के लेक्चर में केवल आप इतना सीखिए कि ये लैटिन स्क्वायर डिजाइन ऐसे डिजाइन है जिसमें हम ट्रीटमेंट
और रेप्लिकेशन को इक्वल रखते हैं। तो जितने हम ट्रीटमेंट रखेंगे उतने हमें रेप्लिकेशन रखने पड़ेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए एक हम जब पूरा वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए तो आप उसको पूरा समझ जाएंगे। ये डिज़ाइन पे पूरे बेस्ड एक लेक्चर होगा जो पूरी डिज़ाइन बताएगा, आरबीडी कहाँ यूज़ करते हैं, एसपीडी क्या होती है, स्प्लिट स्प्लिट प्लॉट क्या होता है, स्ट्रिप प्लॉट क्या होता है, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन क्या होती है और कहाँ इनको हम यूज़ करते हैं। तो अभी आज हम सिर्फ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो इसको आप याद कर लीजिए कि एनएसडी में ही रेप्लिकेशन ट्रीटमेंट के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये पूछा भी जा सकता है कि किसी एग्जामिनेशन में कि लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन में अगर 7 ट्रीटमेंट हैं तो उसमें रेप्लिकेशन बताइए क्या होंगे। तो उसमें रेप्लिकेशन कितने होंगे, जितने ट्रीटमेंट हैं, अगर 7 ट्रीटमेंट है तो 7 होंगे, 6 ट्रीटमेंट है तो 6 होंगे। क्वेश्चन नंबर 4th इज विच टेस्ट इज यूज फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स फॉर फ्रॉम इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ स्मॉल साइज। तो इसमें क्या पूछा गया है, विच टेस्ट इज यूज, यहाँ डिजाइन नहीं पूछी गई है, यहाँ टेस्ट पूछा गया है फॉर कंपेयरिंग टू मीन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ स्मॉल साइज। तो यहाँ इंडिपेंडेंट सैंपल है, ये टेस्ट किसके लिए है, सैंपल के लिए है, और सैंपल का साइज क्या है, स्मॉल है। तो जब सैंपल साइज स्मॉल होता है और टेस्ट हम यूज कर रहे हैं दैट इज टी टेस्ट, ऐसे केस में हम टी टेस्ट यूज करते हैं। अब इसके हम दूसरे ऑप्शन भी देखें तो इसमें जो है टी टेस्ट सही आंसर है। जो जेड टेस्ट होता है, जेड टेस्ट ये हम तब यूज करते हैं जब सैंपल का हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस पता हो या पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो और सैंपल बहुत बड़ा हो तब हम उसको पता कर सकते हैं। तो जेड टेस्ट यहां हम यूज नहीं करेंगे स्मॉल सैंपल के लिए, स्मॉल सैंपल के लिए हम क्या यूज करेंगे, टी टेस्ट। तो ये डिफरेंस याद रखिए, जेड टेस्ट और टी टेस्ट में जब सैंपल साइज स्मॉल है तो हम क्या करेंगे, टी टेस्ट, और सैंपल साइज अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो हम उसका वेरियंस अगर हमें पता है तो हम जेड टेस्ट यूज करेंगे। इसमें जो दूसरा ऑप्शन था, एक ऑप्शन में एफ टेस्ट भी है, एफ टेस्ट हम वेरिएंस के लिए करते हैं। तो अगर हमें एफ टेस्ट यूज करना है तो तब करेंगे जब हमको वेरिएंस का कंपैरिजन करना हो तो हम एफ टेस्ट यूज करेंगे। इसमें एक ऑप्शन है काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर इट इज रिटन एज काई स्क्वायर। तो इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन देखना हो कि हमें पता हो कि कोई, ये जनरली जेनेटिक्स में यूज होता है, माना कोई जीन की फ्रीक्वेंसी 3:1 में है तो हम देखेंगे कि प्लांट में क्या वास्तव में 3:1 में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम काई स्क्वायर टेस्ट वहाँ यूज करेंगे। तो इसको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी कहते हैं। प्रपोर्शन हमें देखना हो कि हमें पता है कि किसी प्लांट के केस में इतना प्रपोर्शन आएगा किसी जीन का, क्या वो प्रपोर्शन उस ब्रीडिंग के बाद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। That's why काई स्क्वायर टेस्ट इज जनरली यूज इन प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ आपको जेड टेस्ट कब लगाते हैं समझ में आ गया होगा, जो सैंपल बहुत बड़ा हो या हमें पॉपुलेशन का वेरियंस पता हो। टी टेस्ट कब यूज करेंगे, जब सैंपल साइज का हो बहुत स्मॉल हो। एफ टेस्ट किसमें करेंगे, वेरियंस का रेशियो मेजरमेंट में करेंगे, चेक करने में कंपेयर करने में करेंगे। और काई स्क्वायर टेस्ट कहाँ यूज करेंगे, जनरली जेनेटिक्स में करेंगे, जहाँ हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें दोनों में देखनी हो कि क्या वास्तव में वो रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये टेस्ट की जब स्टडी हम लेक्चर करेंगे तो आपको और डिटेल समझ में आएगा। आज के इसमें समझिए कि ये जो इसका आंसर टी टेस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ जो है ये है कीवर्ड, क्योंकि यहाँ जो सैंपल है क्या है, स्मॉल है, तो इस कीवर्ड से ही इसका आंसर निकलेगा टी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा द लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इज 40 एंड मिड पॉइंट इज 45, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ क्लास। तो यहाँ पहले आपको देखना पड़ेगा कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम एक कोई ग्रुप बना लेते हैं जैसे 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से हमारी ग्रुपिंग रहती है 20 to 45, या इस तरह से हो सकती है 25 to 45, 20 to 20 का डिफरेंस रख सकते हैं, 45 to 65, 65 to 85, इस तरह के कई ग्रुप हम जो बनाते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा कहलाता है। और इसकी हम फ्रीक्वेंसी आगे लिखते हैं तो ये समझिए ये हमने क्लास बनाई है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो ये देखिए ये क्या होता है, ये लोअर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में पूछा गया है लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इज 40, यहाँ लोअर लिमिट है, एंड मिड पॉइंट इज 45। तो जो क्लास का मिड पॉइंट 45 है, जहाँ अपर लिमिट हमें पता नहीं क्या है। तो देखिए जो मिड पॉइंट होगा वो लोअर और अपर के ठीक बीच में होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है, ये 5 डिफरेंस है, क्योंकि ये since it is midpoint that's why this difference will be equal to 5। तो अब हम क्या करेंगे, 45 में plus 5 जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, that is 50। तो इस क्लास का जो मिड पॉइंट हुआ वो क्या हुआ,
40 to 50 बना एंड मिड पॉइंट इज 45. तो इसी तरह से आप इन क्वेश्चंस की मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं. अगर आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट पता हो, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2. तो अगर हमें इसका निकालना हो मिड पॉइंट, तो क्या आएगा 15. इसका क्या आएगा 25. अगर हम इसका निकालें मिड पॉइंट, तो इन दोनों को सम करके हाफ कर दीजिए, क्या आएगा 35 आएगा. सिंपल क्वेश्चन है, केवल हमको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्लास में अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, उसका मिड पॉइंट क्या होता है. तो आपको पता चल गया कि लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं. अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम करके उसको हाफ कर दें. तो मिड पॉइंट से देखिए, हमने विद द हेल्प हमने अपर लिमिट निकाल दी. जितना यहाँ से आता का डिफरेंस होगा, उतना ही डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का भी होगा. तो ये कितना डिफरेंस है, उससे आपको बताया था यहाँ से आता का डिफरेंस कितना है 5. तो यहाँ से आता का डिफरेंस क्या होगा 5 एंड 45 प्लस 5 दैट इज 50. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द पॉपुलेशन मीन इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. तो देखिए, मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसका सिंबल क्या है सिग्मा, एंड रेशियो इसका मतलब क्या है डिवाइड करना है, पॉपुलेशन मीन्स म्यू. जो इसका जो रेशियो है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मीन, ये ही सीवी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही होता है. जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज. तो जो सीवी होती है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज सिग्मा अपॉन म्यू. तो कहीं कहीं आप इसको ये भी देख सकते हैं एस अपॉन एक्स बार इंटू 100. तो यहाँ क्या है कि एस ये पॉपुलेशन के लिए है, ये ग्रीक लेटर्स, और ये जो है एस सैंपल के लिए है, और ये एक्स बार है सैंपल का मीन है. दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन ये पॉपुलेशन का फॉर्मूला कहलाएगा और ये सैंपल फॉर्मूला कहलाएगा, लेकिन वैल्यू क्या निकलेंगे इक्वल निकलेंगे. जो ग्रीक लेटर्स होते हैं वो पॉपुलेशन में यूज करते हैं, लेकिन जो हमारी स्टडी होती है एग्रीकल्चर में वो सैंपल के लिए होती है, और सैंपल के बेसिस पे हम पॉपुलेशन के बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं. तो इसको फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि सीवी का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, कोई भी डेटा हमने लिया तो उसका जो बीच की वैल्यू जो आती है वो कहलाती है सेंट्रल टेंडेंसी. तो मान लीजिए कि डेटा किसी प्लांट है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर देन 14 देन 12. ये मान लीजिए डेटा है हमारा, और इसका हमें सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है. मतलब सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि इसका एवरेज क्या रहा है. तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के तीन मेथड होते हैं, मीन जिसे हम एवरेज कहते हैं, इसको सबको जोड़ करके हम क्या करें, जितना ऑब्जर्वेशन सबको जोड़ लो, जितने ऑब्जर्वेशन उससे नंबर से डिवाइड कर दें. मान लीजिए 10 ऑब्जर्वेशन है तो सबको जोड़ के हम 10 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज मीन. देन मीडियन, मीडियन में क्या होता है, इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं हम, बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में, और ठीक बीचों बीच में जो वैल्यू आती है, माना कि 9 ऑब्जर्वेशन है तो जो फिफ्थ जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहलाएगा, उसका मीडियन कहलाएगा. तो इसको भी हम कभी सॉल्व करेंगे, पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ के सॉल्यूशन सीख लीजिए. मीडियन क्या होता है, जो डेटा का ठीक बीच की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, मीडियन होती है. लेकिन डेटा अरेंज होना चाहिए तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में. देन मोड, मोड वो वैल्यू है जो मैक्सिमम आती है. तो अगर हमें इसका मोड निकालना हो तो यहाँ देखिए, जो 12 है वो 2 टाइम्स आ रहा है, बाकी कोई इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है. तो यहाँ पे इसका मोड क्या कहलाएगा, 12 कहलाएगा. तो जो ऑब्जर्वेशन जितना ज़्यादा होता है वो उसका मोड कहलाएगा, जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार आया है वो उसका मोड कहलाएगा. तो अगर हम इसको मीडियन निकालनी हो तो इसको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक बीच वाली वैल्यू देख लेंगे, मीन निकाल लेंगे, सबकी वैल्यू को जोड़ करके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और मोड में क्या करेंगे, जो वैल्यू ज़्यादा बार आ रही है, 12 दो बार आ रहा है तो ये इसका मोड क्या कहलाएगा, 12. तो ये सेंट्रल टेंडेंसी के तीन होते हैं, मीन मीडियन मोड, ये आपको याद होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 8 इज विच वन इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट. तो देखिए, जब हम फील्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके तीन प्रिंसिपल होते हैं, रेप्लिकेशन, रेंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल. तो ये तीन प्रिंसिपल्स आपको बिल्कुल पता होने चाहिए. रेप्लिकेशन, हम एक डेटा को कई बार, एक ट्रीटमेंट को कई बार लगाते हैं, जनरली रेप्लिकेशन कितने होते हैं, 3 होते हैं. रेंडमाइजेशन, जब हम लेआउट बनाते हैं तो किसी भी ट्रीटमेंट को रेंडमली असाइन करते हैं, रेंडमाइजेशन. एंड लोकल कंट्रोल, लोकल कंट्रोल में क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी में ग्रेडियंट होता है, कहीं फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, कहीं फर्टिलिटी कम होती है, तो ब्लॉकिंग करते हैं, इस तरह से ब्लॉकिंग करते हैं कि जो हमारे ब्लॉक्स बने उसमें फर्टिलिटी या ग्रेडियंट क्या रहे, मेंटेन रहे. एक सेपरेट लेक्चर जब होगा डिटेल में तो आपको समझ में आएगा. तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद करने की जरूरत है कि फील्ड एक्सपेरिमेंट के तीन प्रिंसिपल हैं, और ये ARS में नेट एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं कि तीन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, और डिटेल भी कभी कभी इनकी पूछ ली जाती है. फिर से याद कर लें, रेंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन एंड लोकल कंट्रोल.
नेक्स्ट इज विच डिजाइन आर यूज फॉर लैब कंडीशन. तो देखिए डिजाइन बहुत है, इसको हम पढ़ाएंगे कौन कौन से डिजाइन है, लेकिन जो लैब कंडीशन में हम जो डिजाइन यूज करते हैं दैट इज सीआरपी, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन. तो ये जो है लैब में ही यूज होती है. माना हमको किसी सीड जनरेशन देखना है, तो हमने पेट्री डिश में सीड रखे और हमने इंक्यूबेटर में रख दिया या लैब में रख दिया, तो हम कोई ब्लॉकिंग नहीं करते. जब कोई ब्लॉकिंग जब नहीं होती है तो सीआरडी कहलाती है, और लैब कंडीशन में कोई ब्लॉकिंग पॉसिबल नहीं होती है. तो सीड जनरेशन टेस्ट में हम सीआरडी यूज करेंगे, या हमें कोई पैथोजन की ग्रोथ देखनी है तो हम सीआरडी यूज करेंगे. तो जो भी लैब कंडीशन है वो सीआरडी यूज होगी, और फील्ड कंडीशन में कभी भी सीआरडी यूज नहीं होगी, क्योंकि हम ब्लॉक्स बनाते हैं, फर्टिलिटी का ग्रेडियंट रहता है, बहुत सारे ग्रेडियंट रहते हैं, तो हम ब्लॉक्स बना करके हम होमोजेनिटी मेंटेन करते हैं. जब भी ब्लॉकिंग होगी वहां सीआरडी नहीं होगी. तो याद रखें लैब कंडीशन के लिए हमें सीआरडी यूज करते हैं. तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा सकता है कि सीड जनरेशन टेस्ट लैब में किया जाता है तो उसके लिए कौन सी डिजाइन लगेगी, तो वहां लगेगी सीआरडी. अगर माना सीड जनरेशन टेस्ट हम फील्ड में कर रहे हैं तो वहां ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, तो फिर वहां आरबीडी डिजाइन लगेगी. तो यह देखना पड़ेगा, सीड जनरेशन ही है लेकिन एक लैब में किया जा रहा है एक फील्ड में, तो लैब में सीआरडी होगा लेकिन फील्ड में जाकर के हम उसको आरबीडी करेंगे, क्योंकि वहां ब्लॉक्स बनाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. व्हेन फर्टिलिटी वेरीज इन टू डायरेक्शन द मोस्ट सुटेबल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टू बी यूज्ड इज. तो देखिए अलग अलग डिजाइन के अलग अलग करेक्टरिस्टिक होते हैं. मैंने अभी सीआरडी का आपको बताया था कि क्या करेक्टरिस्टिक है लैब कंडीशन में, जो हम ब्लॉक नहीं बनाते. और यहाँ क्या पूछा गया है कि फर्टिलिटी ग्रेडिएंट टू डायरेक्शन में है. तो जनरली जब फर्टिलिटी डायरेक्शन वन डायरेक्शन में होता है तो ब्लॉकिंग की जाती है, और फिर हम आरबीडी लगा सकते हैं या स्प्रिट प्लॉट लगा सकते हैं. लेकिन यहाँ क्या है कि टू डायरेक्शन में है फर्टिलिटी, इधर से फर्टिलिटी जो है इधर भी हो सकता है बढ़ रही हो, और इससे इस डायरेक्शन में बढ़ रही है कम हो रही है. दो तरह के ग्रेडियंट है, दोनों तरफ चल रहे हैं. तो ऐसे में बिल्कुल लैटिन स्क्वायर डिजाइन रहती है, और कोई डिजाइन इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, लैटिन स्क्वायर. याद कर लें, जब फर्टिलिटी ग्रेडियंट वन डायरेक्शन में है तो हम आरबीडी, फर्टिल आरबीडी और एसपीडी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब फर्टिलिटी ग्रेडियंट दोनों ही डायरेक्शन में, तो लैटिन स्क्वायर डिजाइन यूज की जाती है. और ये वही लैटिन स्क्वायर डिजाइन है जिसका मैंने आपको बताया था कि जिसमें नंबर ऑफ ट्रीटमेंट नंबर ऑफ रेप्लिकेशन के बराबर किए जाते हैं. आप जब डिटेल में समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जितने हम इधर लेंगे ट्रीटमेंट उतने ही हम करेंगे इधर को लेंगे. तो लैटिन स्क्वायर डिजाइन में नंबर ऑफ रेप्लिकेशन और नंबर ट्रीटमेंट इक्वल रहते हैं, और कहां यूज होती है, जहां फर्टिलिटी ग्रेडियंट इज इन टू डायरेक्शन. तो ये क्वेश्चन थे 1 से लेकर 10 तक स्टैटिक्स के, जो मैंने इनके सॉल्यूशन बताए. और हो सकता है अभी आपको ये सॉल्यूशन समझ में ना आए, तो जब हम डेप्थ में लेक्चर्स पूरे डिटेल बताएंगे, डिजाइन पूरा लेक्चर जब लेंगे, पूरे टेस्ट पर लेक्चर लेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा. लेकिन अभी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझिए कि इसका आंसर ऐसा क्यों आ रहा है. डिटेल स्टडी में हम इसको बाद में कर सकते हैं. तो यहाँ अभी मैंने बहुत बताने की आपको कोशिश करी कि आंसर क्यों है ऐसा, तो आप इसको नोट करते चलें कि इसका आंसर क्या आ रहा है. तो लैटिन स्क्वायर डिजाइन के बारे में आपको पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, दो तीन कंसेप्ट आपको पता चल गए. इस तरह से सीआरडी के बारे में आपको पता चल गया. धीरे धीरे आपको जो मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन देखेंगे तो डिजाइन के बारे में आपको पता चलने लगेगा, टेस्ट के बारे में भी आप जान जाएंगे. अब जो 11 से 20 तक थे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. इफ मेज क्रॉप हैज 60,000 प्लांट्स पर हेक्टर एंड सीड वेट ऑफ 100 सीड इज 30 ग्राम, देन सीड रेट ऑफ मेज इज. यहाँ देखिए क्या क्या डेटा दिया गया है. 60,000 प्लांट्स पर हेक्टर, नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टर. तो इतने प्लांट हमको चाहिए पर हेक्टर, तो इसका मतलब इतने हमें क्या चाहिए, सीड चाहिए. तो इसका मतलब 60,000 सीड्स पर हेक्टर. अगर ज्यादा सीड चाहिए तो ये क्वेश्चन में आ सकता था कि टू सीड्स आर यूज्ड एट वन टाइम, हम दो सीड को एक जगह यूज कर रहे हैं. लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया गया, तो इसका मतलब कितने 60,000 प्लांट है, तो इसका मतलब 60,000 सीड चाहिए. एंड सीड वेट ऑफ 100 सीड इज 30 ग्राम. तो हमें क्या करना है कि इस 60,000 सीड्स का ही वेट हम पता कर लें, वही वेट क्या होगा, उसका सीड रेट होगा. तो यहाँ 100 सीड्स का वेट कितना दिया गया है, 100 सीड्स वेट इज इक्वल टू 30 ग्राम. तो 60 हमें कितना चाहिए, 60,000 सीड्स. तो 60,000 सीड्स का जो वेट होगा, ये डब्ल्यू टी को मैं एबिलिट करके लिख रहा हूँ, वेट 30/100. तो एक सीड वेट का आ जाएगा, क्योंकि 100 सीट का कितना 30 ग्राम, तो एक सीट का कितना हो जाएगा 30/100, एंड फॉर 60,000 मल्टीप्लाइड बाय, एंड दिस इज इन ब्लॉक. तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 30 × 600 ग्राम. और हमको किसमें आंसर देना है, इसका केजी पर हेक्टर पूछा गया, और चूंकि पर हेक्टर पर चल रहा है
तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, केजी में, क्योंकि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो ये 18 केजी, तो ये आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये आंसर कैसे मिला। तो बेसिक चीज क्या है कि हमको देखना पड़ेगा कितनी प्लांट पॉपुलेशन, जितने प्लांट पॉपुलेशन उतने हमें क्या चाहिए, सीड चाहिए, फिर हमें एक सीड का वेट चाहिए, और जब एक सीड का वेट निकला है तो हमने टोटल सीड से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको हमने फिर केज में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज सिंपल मैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज, ए क्रॉप इज इरिगेटेड एट IWCP रेशियो 0.5 विद 8 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ इरिगेशन, व्हाट वुड बी CPE एट द टाइम ऑफ इरिगेशन। तो यहां देखिए आपको IWCPE रेशियो क्या होता है ये पता होना चाहिए। IWCPE क्या है, IW इज इरिगेशन वाटर एंड CPE इज क्यूमुलेटिव पैन एवेपोरेशन। तो इसका जब हम इरिगेशन देते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसका हम इरिगेशन वाटर और CPE का एक रेशियो पहले हम फिक्स कर लेते हैं कि हम इस रेशियो पे ही इरिगेशन देंगे, एंड इन दिस केस दिस रेशियो इज 0.5। अब हमें क्या करना है, यहाँ इरिगेशन डेप्थ हम जब ऐसे एक्सपेरिमेंट में इरिगेशन डेप्थ भी फिक्स कर लेते हैं कि अब 5 सेंटीमीटर इरिगेशन देनी है, 6 देनी है, 7 देनी है, 8 देनी है, तो यहाँ इरिगेशन डेप्थ कितनी फिक्स की गई है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 डिवाइडेड बाई CPE इक्वल टू 0.5, सो CPE इक्वल टू 8 अपॉन 0.5, दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो जब क्यूमुलेटिव पैन ऑपरेशन, मतलब जब पैन जो रखा हुआ है पानी इसमें रहता है और पानी उड़ता रहता है, ऑपरेट होता रहता है, और जब पैन का एवोपरेशन 16 सेंटीमीटर हो जाएगा तब हम फील्ड में 8 सेंटीमीटर की इरिगेशन देंगे, ये इसका इंटरप्रिटेशन है। तो जो फील्ड एक्सपेरिमेंट में होते हैं वो IWCPE रेशियो पे ही एक्सपेरिमेंट जब किए जाते हैं, तो हमें दो चीज़ें फिक्स करनी होती हैं, जान लीजिए फिर से इसको, इरिगेशन वाटर में कितना देना है, 5 सेंटीमीटर देना है, 6 देना है, दूसरा वो रेशियो कितना हमें देना है। तो ये दो चीज़ें फिक्स कर ली जाती हैं, फिर पैन ऑपरेशन रहता है फील्ड में, वहां से हम डेली मेजरमेंट देखते हैं कितना एवोपरेशन हो गया। तो इस केस में क्या होगा, जब 16 सेंटीमीटर का एवोपरेशन हो जाएगा टोटल, डेली हम जोड़ते चलेंगे, कभी 1 मिलीमीटर होगा, कभी 10 मिलीमीटर होगा, कभी 20 मिलीमीटर होगा, और जिस दिन ये टोटल जो है 16 सेंटीमीटर हो जाए, हालांकि एवोपरेशन को मिलीमीटर में काउंट करते हैं, मिलीमीटर में उसका मेजरमेंट होता है, फिर उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में, तो तब हम जो है 8 सेंटीमीटर की इरिगेशन दे देंगे। तो ये क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच का न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 इज, द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ राइस वीट राइस फैलो इज। तो यहां देखिए सिस्टम क्या दिया गया है, राइस वीट राइस फैलो। तो यहां हमको देखना पड़ेगा कि ड्यूरेशन क्या है इस रोटेशन की। जब ड्यूरेशन अगर हम देखें तो दिस राइस वीट 1 ईयर होगा, 1 साल का रोटेशन है ये, फिर राइस फैलो ये भी 1 ईयर होगा। यहां क्या है, खरीफ में राइस लिया गया है लेकिन रबी में राइस नहीं लिया गया है, तो टोटल हमारा ड्यूरेशन कितनी हो गई, 1+1 2 ईयर्स। नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी हुई है, नंबर ऑफ क्रॉप्स चूंकि एक सीजन फैलो है तो नंबर ऑफ क्रॉप हमारी 1, 2, 3, तो नंबर ऑफ क्रॉप कितनी हुई, 3। अब हम रोटेशन इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, रोटेशन इंटेंसिटी RI इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉप्स डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन, टू ड्यूरेशन 1 होती तो भी क्या था, 200%। तो इस तरह से हमको दो चीजें देखनी पड़ेंगी रोटेशन इंटेंसिटी निकालने में, एक तो ड्यूरेशन क्या है रोटेशन की, सेकंडली हाउ मेनी क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इज, द वेट ऑफ वेट सॉइल इज 40 ग्राम एंड वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज 32 ग्राम, व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट। तो यहां दो वेट दिए गए हैं, ड्राई सॉइल एंड वेट सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। तो देखिए सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालेंगे। जो मॉइस्चर कंटेंट का जो फॉर्मूला है, दैट इज मॉइस्चर अमाउंट
आप ग्राम में लेते हैं एंड वेट ऑफ ड्राई सॉइल ओवन ड्राई सॉइल ओवन ड्राई सॉइल ये भी ग्राम में रखेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100। यहां जो गलती होती है क्वेश्चन में वो ये होती है कि हम वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल रख के फ्रेश वेट रख देते हैं, यहां जो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद रखिए जो सॉइल के केस में जो हम मॉइस्चर कंटेंट निकालेंगे ड्राई वेट बेसिस पर निकालते हैं, लेकिन प्लांट के केस में हम फ्रेश वेट बेसिस पर निकालते हैं। अगर यही क्वेश्चन प्लांट का होता तो यहां क्या रखते हैं, वेट ऑफ फ्रेश वेट रखते हैं। तो अब हमें देखिए क्या निकालना है, मॉइस्चर अमाउंट। तो मॉइस्चर अमाउंट कैसे निकलेगी, हमने 40 ग्राम सॉइल ओवन में रखी थी, अब उसका वेट कितना रहेगा 32 ग्राम। तो इसका मतलब क्या ऑपरेट हुआ, मॉइस्चर ऑपरेट हुआ। तो वेट ऑफ मॉइस्चर कितना होगा जो उन दोनों का डिफरेंस आए। तो यहां जो मॉइस्चर अमाउंट होगी, मॉइस्चर अमाउंट इज इक्वल टू वेट सैंपल वेट माइनस ड्राई सैंपल वेट, इट इज 40 माइनस 32 दैट इज 8 ग्राम। तो सैंपल में कितने ग्राम मॉइस्चर था, 8 ग्राम था। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज वाइज में कैसे निकलता। सो मॉइस्चर अमाउंट इज 8 ग्राम एंड ओवन ड्राई वेट इज 32 ग्राम एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 1/4 × 100 दैट इज 25%। अगर इस क्वेश्चन को हम 40 से डिवाइड करते हैं 8/40 दैट इज 1/5 तो 20% आएगा। तो यहां एरर होने का चांस होता है, इस बात को ध्यान रखें। अगर यही क्वेश्चन प्लांट के लिए होता तो इसका आंसर 20% आता, क्योंकि तब हम यहां ड्राई वेट रखे क्या रखते हैं, वेट वेट रखते हैं। तो ध्यान रखिए कि क्वेश्चन सॉइल के लिए पूछा गया है या प्लांट के लिए पूछा गया है। तो प्लांट में जो हम फ्रेश वेट बेसिस पे मॉइस्चर को इंडिकेट करते हैं और सॉइल में ओवन ड्राई वेट बेसिस पे। तो ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 इज, इन ए फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर इज टू बी अप्लाइड इन 50 स्क्वायर मीटर एरिया, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ यूरिया इज रिक्वायर्ड। तो देखिए क्वेश्चन वैसे तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ यूरिया का अमाउंट पूछी गई, नाइट्रोजन की नहीं पूछी गई है। तो यहाँ नाइट्रोजन का जो रेट है वो कितना है, 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर, 30 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर। और ये पूछा गया कि 50 स्क्वायर मीटर में कितना नाइट्रोजन यूज होगा। तो पहले हम नाइट्रोजन की कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि इसमें यूरिया पूछी गई है। तो यहाँ देखिए कि पर हेक्टर का मीन्स क्या है, 1 हेक्टर में कितने 1000 स्क्वायर मीटर होते हैं, 10,000 स्क्वायर मीटर। So, 50 स्क्वायर मीटर की निकालना है हमें, तो 10,000 स्क्वायर मीटर हाउ मच नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड, 30 केजी नाइट्रोजन एंड फॉर 1 स्क्वायर मीटर एरिया 30/10,000 किलोग्राम एंड इन क्वेश्चन इट इज आस्क फॉर 50 स्क्वायर मीटर सो इट इज 30/10,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 15/100 दैट इज किलोग्राम। इसको हम किस पर कन्वर्ट कर लें, ग्राम में कन्वर्ट कर लें क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी आ रही है। सो नाउ इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000 टू कन्वर्ट इनटू ग्राम, क्योंकि 1 kg 1000 ग्राम होते हैं। देखिए तो ये 150 ग्राम दिस इज नाइट्रोजन। So 150 ग्राम नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर 50 स्क्वायर मीटर एरिया, ये हमको पता चल गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यूरिया पूछा गया। तो अब हम इसको ये पता चल गया कि 50 स्क्वायर मीटर में 150 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। अब इसको किस पर कन्वर्ट करेंगे, हम यूरिया में कन्वर्ट करेंगे। तो यूरिया जब नाइट्रोजन कन्वर्ट करते हैं तो देखिए उसको कैसे हम प्रोसेस करते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो तो याद रखिए कि इन केस ऑफ यूरिया ठीक है 46% नाइट्रोजन होती है, 46% N। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम 100 ग्राम यूरिया लेंगे तो 46 ग्राम क्या होगा, नाइट्रोजन होगी। तो अब यहां हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि 46 नाइट्रोजन कब मिलती है जब हम 100 ग्राम यूरिया यूज करते हैं, इसका मतलब यही तो होगा। और अगर हम 1 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए तो हम कितना यूरिया चाहिए, 100/46 और हमें कितना नाइट्रोजन जरूरत है, 150 ग्राम नाइट्रोजन की जरूरत है। सो इट इज 100/46 × 150 तो ये जो कैलकुलेशन से आएगा दैट इज 326। या आप इसके कन्वर्जन फैक्टर बना सकते हैं 100/46 का,
दैट इज 2.17 के अप्रोक्सीमेट ये कन्वर्जन फैक्टर आता है। आप कन्वर्जन फैक्टर को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो इस मेथोडोलॉजी से अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो एरर होने का चांस रहता है, कम रहता है। फिर से इसका बेसिक जान लीजिए, यूरिया कितना है 46% नाइट्रोजन, तो 46% नाइट्रोजन के लिए हमें 100 ग्राम यूरिया चाहिए। अगर यूरिया से नाइट्रोजन पूछे तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन, फिर 100 ग्राम यूरिया से 46 ग्राम नाइट्रोजन मिलती है तो 150 ग्राम यूरिया से कितनी नाइट्रोजन मिलेगी, तो 46 अपॉन 100 फिर हो जाएगा। तो सिंपल आप मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिक कंसेप्ट अगर यूज कर रहे हैं तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द क्वेश्चन नंबर 16, इफ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल ऑन ओवन ड्राई वेट बेसिस इज 15% एंड बीडी मींस बल्क डेंसिटी इज 1.4 ग्राम सीसी, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल ऑन वॉल्यूम बेसिस वुड बी। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है, आप याद रखिए, मॉइस्चर कंटेंट ऑन वॉल्यूम बेसिस इज इक्वल टू मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई वेट बेसिस मल्टीप्लाइड बाई बीडी। ये एक इसका सिंपल फार्मूला है, इसका एक डेरिवेशन है, इसको भी कभी एक लेक्चर में पूरा हम बता देंगे कि जो इरिगेशन के क्या क्या फार्मूले हैं, कैसे कैसे डेवलप हुए हैं, कैसे करते हैं, लेकिन आज मैं हम केवल इतना सीखेंगे कि यह फार्मूला होता है। आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए और हमको कोई भी दो चीज़ है तो हम किसी तीसरी चीज़ को पता कर सकते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें बहुत आसान दी गई हैं, मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई वेट बेसिस इज 15% एंड बीडी इज 1.4, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 21%, इसका आंसर होगा 21%। तो सिंपल फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, इस सीधे डायरेक्ट फार्मूला पे भी क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इज हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर एट द रेट 200 केजी पर हेक्टर विल बी रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेरिमेंट हैविंग 10 ट्रीटमेंट्स इन 3 रेप्लिकेशन एंड ग्रॉस प्लॉट एरिया इज 20 स्क्वायर मीटर। तो देखिए कई सारे डेटा दिए गए हैं, इसको कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है, जो हमें दिया होता है उसको हम शुरू कैंसे उतारते चलते हैं। फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन रेट, व्हाट इज द एप्लीकेशन रेट, 200 केजी पर हेक्टर, और एक्सपेरिमेंटली करना है कितने रेप्लिकेशन, सॉरी कितने ट्रीटमेंट्स है उसमें, 10 ट्रीटमेंट 3 रेप्लिकेशन। तो हमारे नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने हो जाएंगे जब हम ट्रीटमेंट को रेप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे नंबर ऑफ प्लॉट्स होंगे। 10 ट्रीटमेंट्स को 3 बार लगाना है, तो 10 ट्रीटमेंट्स के लिए पहले 10 प्लॉट, फिर दूसरे बार रेप्लिकेशन के लिए फिर 10 प्लॉट, थर्ड रेप्लिकेशन के लिए फिर 10 प्लॉट्स, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने हो जाएंगे, 30। नंबर ऑफ प्लॉट्स सीधा आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स इंटू नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। Number of treatments 10 into 3 that is 30 plots. Ab ek plot ka jo cross plot area hai wo kitna diya hai that is 20 square meter. So one plot area, one plot area is 20 square meter. So area of 30 plots is equal to 20 into 30 that is 600 square meter. अब यहाँ देखिए आप निकाल सकते हैं कि 201 हेक्टर में कितना लग रहा है, 200 केजी, तो 600 में कितना लगेगा। सो 200 केजी पर हेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 पर 10,000 स्क्वायर मीटर, इसका मतलब ये हुआ। ओके, यही तो मतलब इसका निकलता है, इसका मतलब 600 स्क्वायर मीटर में कितना लगेगा, 600 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई करके हमारे प्लॉट्स एक्सपेरिमेंट के इतने प्लॉट्स बने। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 इज पेंडीमेथिलीन 30 EC at the rate of 1 kgi per hectare is applied in 10 hectare area, what quantity of pendimethalin is required? तो इसमें देखिए एक सिंपल फार्मूला होता है, उसको यूज करना है। पहले हम इसका डेटा देख लें, पेंडीमेथिलीन यूज करनी है, पेंडीमेथिलीन 30 EC, तो इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो
इमल्सिफाइड कंसंट्रेट दैट इज 30% है. तो यहाँ जो वैल्यू लिखी होती है उसका परसेंटेज होता है. और एप्लीकेशन रेट क्या है, 1 kg AI पर हेक्टर. AI पर हेक्टर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है 1 kg AI पर हेक्टर है. तो एक सिंपल फार्मूला पहले आप नोट कीजिए कि अमाउंट जो हमारी होती है अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, सॉरी अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड, हर्बिसाइड इज इक्वल टू एप्लीकेशन रेट. AI पर केजी कितना है, AI कितना है यूज करना है हमें पर हेक्टर में, पर हेक्टर में कितना यूज करना है AI, और इसका फॉर्मुलेशन क्या है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 हेक्टर की अमाउंट निकलाएगी, पर हेक्टर के लिए निकलाएगी. ओके तो इसे देखिए एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टर कितना एप्लीकेशन रेट है, और दूसरा उसका फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन जो है ये चीज है फॉर्मुलेशन. यहाँ लिखा होता है कहीं WP लिखा होगा, जैसे एट्रोजन के केस में 50 WP लिखा होगा तो उसका फॉर्मुलेशन क्या होगा 50 हुआ. तो यहाँ पे जो है 1 kg AI पर हेक्टर दिया है, फॉर्मुलेशन कितना है 30 × 100 दैट इज 3.33 लीटर. यहाँ लेकिन देखिए अभी ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 10 हेक्टर एरिया के लिए. तो आपको पता चल गया कि ये 1 हेक्टर एरिया के लिए है ये क्वांटिटी. तो 10 हेक्टर के लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, इसको सीधा आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 33.33. तो इसका जो बेसिक है वो ये फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो हर्बिसाइड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19. वीट क्रॉप इज सोन एट 20 सेंटीमीटर रो स्पेसिंग एंड नंबर ऑफ टिलर्स इन 50 सेंटीमीटर रो लेंथ इज 30, व्हाट इज नंबर ऑफ टिलर पर स्क्वायर मीटर. तो ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये कि ये वीट क्रॉप किस सोइंग की गई है और उसकी स्पेसिंग कितनी है 20 सेंटीमीटर है. सो यहां से यहां तक स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर, स्पेसिंग 20, इस तरह से स्विंग की गई है. अब इसमें क्या किया है, जो नंबर ऑफ टिलर्स इन 50 सेंटीमीटर रो लेंथ, तो एक सिलेक्शन किया गया 50 सेंटीमीटर का और इसमें जो टिलर्स आए वो 30 आए. तो पूछ रहा है कि पर स्क्वायर मीटर टिलर कितने होंगे पर स्क्वायर मीटर. तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए तो हमको देखना पड़ेगा जो 50 सेंटीमीटर है इसकी, ये तो रो लेंथ है लेकिन 50 सेंटीमीटर एरिया कितना कवर करता है. तो जब हम इसको इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया बन जाएगा. तो जो वीट क्रॉप होती है, जो कंटिन्यूस सीडिंग होती है, जैसे पी है, वीट है, मस्टर्ड है, इसमें हम रो स्पेसिंग लेते हैं और एक पर्टिकुलर रो लेंथ सेलेक्ट कर लेते हैं और रो स्पेसिंग से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो टोटल एरिया बन जाता है. तो यहाँ तो देखिए टोटल ये कितना है 20 सेंटीमीटर. तो एक्चुअली में ये जो इतना एरिया कवर करेगा देखा जाए तो ये इतना करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी मिट जाएगी 10 सेंटीमीटर और इसकी कितनी जाएगी 10 सेंटीमीटर. तो ये कितना बनेगा 20 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब हम कोई भी रो अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो एक्चुअली में वो जो विथ कितनी करती है 20 सेंटीमीटर करेगी रो स्पेसिंग के बराबर. तो ऐसे केस में जो इसका एरिया बनेगा दैट इज 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर. हाँ थोड़ा समझ लीजिए, ये 20 सेंटीमीटर रो स्पेसिंग है और ये जो 50 सेंटीमीटर क्या है जो हमने सेलेक्ट किया, इसको 50 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, 75 भी कर सकते हैं, 1 मीटर भी कर सकते हैं, ये हमारे सैंपलिंग के ऊपर होता है. तो अगर हमें सैंपलिंग का एरिया निकालना है तो सिंपल अब ये तरीका पता चल गया हमें कि सैंपल की हमने रो लेंथ कितनी ली है और वहां की स्पेसिंग क्या है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आपको बन जाएगा 0.1 स्क्वायर मीटर. मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया मीटर का, 0.5 × 0.2 मीटर, तो 0.1 स्क्वायर मीटर. तो अब देखिए 0.1 स्क्वायर मीटर में कितने टिलर्स हैं, 30 टिलर्स हैं. तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1 स्क्वायर मीटर में पूछा गया है 1 स्क्वायर मीटर में कितने हैं. तो क्या हो जाएगा 0.1 में कितने हैं, 0.1 स्क्वायर मीटर में 30, सो इन 1 स्क्वायर मीटर कितना हो जाएगा 30/0.1 दैट इज 300. तो ये इसका आंसर है 300. तो आप इसको समझ लीजिए कैसे किया गया है, अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो भी हम कोई लाइन सेलेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक की, उस लाइन को हम इसकी जो रो स्पेसिंग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका टोटल उस लाइन का एरिया बन जाएगा. मैंने बताया कैसे जाएगा, क्योंकि हाफ इधर जाता है हाफ इधर जाता है तो पूरा रो स्पेसिंग के बराबर हो जाता है. तो आप इस तरह से निकालेंगे तो पहले ये कुछ स्क्वायर मीटर का बनेगा, उससे डिवाइड करके हम पर स्क्वायर मीटर को निकाल सकते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन 20, नंबर 20,
was rice crop grain yield in weed free plot, VD plot and herbicide treated plot are 50, 20 and 40 quintal per hectare respectively. What is weed index of herbicide for herbicide treated plot? तो यहाँ हमें क्या निकालना है, देखिए वीड इंडेक्स निकालना है. सिंपल हमें वीड इंडेक्स के बारे में पूछा गया है और आपको वीड इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वीड कंट्रोल एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो फार्मूला आप एक जगह कॉपी में भी लिख करके याद कर लें. तो यहाँ पहले हम पहले फार्मूला पे जाएंगे. फार्मूला क्या है, वीड इंडेक्स क्या होता है, यील्ड इन वीड फ्री प्लॉट, वीड फ्री प्लॉट. और जिस ट्रीटमेंट के लिए हम वीड इंडेक्स निकाल रहे हैं वो ट्रीटमेंट में क्या यील्ड है. अब माना हर्बिसाइड के भी कई ट्रीटमेंट होते हैं, माना पेंडीमेथिलीन होता, ब्यूटाक्लोर होता, 240 होता, तो सबके लिए फिर वीड इंडेक्स अलग अलग निकलती. पेंडीमेथिलीन के लिए अलग निकलती क्योंकि फिर हम यहाँ यील्ड उसकी रखते हैं पेंडीमेथिलीन की. तो यहाँ सिंपल एक हर्बिसाइड दिया गया है तो यहाँ हो जाएगा यील्ड इन ट्रीटेड प्लॉट डिवाइडेड बाई yield in weed free plot and whole multiplied by 100. तो यहाँ इस केस में देखिए yield जो weed free plot की कितनी दी गई है 50 क्विंटल पर हेक्टर, yield herbicide treated plot में कितनी गई है 40 क्विंटल डिवाइडेड बाई 50 × 100. यहाँ जो डेटा दिया गया है VD प्लॉट का उससे कोई यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा डेटा दिया गया है आपको याद रखना है. तो ट्रीटेड प्लॉट कई तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं, जिस ट्रीटमेंट का पूछा गया उस ट्रीटमेंट के हमें यहाँ यील्ड रख देते हैं. तो यहाँ कितना हो जाएगा 10/50 × 100, दैट इज 20%. तो ये वीड इंडेक्स के सिंपल फार्मूले होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए. तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन. इसी तरह से जब और मॉक टेस्ट देंगे स्टैटिक्स के, न्यूमेरिकल्स के, तो इस तरह से सॉल्यूशन देंगे और बाद में सेपरेट लेक्चर्स जब हम बनाएंगे इन टॉपिक्स पे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा. तो इसी तरह से आप मॉक टेस्ट देखते रहिए, उनके एक्सप्लेनेशन देखिए, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. थैंक यू वेरी मच. ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए. कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप लिखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें.